हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि किसी एक इंक्लाइन प्लेन के अलांग हम एक्स रफ इंक्लाइन प्लेन के अलांग एक्सलेशन कैसे फाइंड आउट करें, चाहे उस ब्लॉक को हम अपवर्ड ले जा रहे हो इंक्लाइन प्लेन पर या डाउनवर्ड ला रहे हो, तो उस केस में हम एक्सलेशन कैसे फाइंड आउट करें, ये आपने देखा। आपने देखा कि जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है उसका एक्सलेशन ए इक्वल टू जी होता है, जब वो इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड आती है उसका एक्सलेशन ए इक्वल टू जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा होता है, और जब वो अपवर्ड जाती है तो उसका एक्सलेशन ए इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा होता है, और अगर वो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर होती है तो ए इक्वल टू जी साइन थीटा होता है। अब हम देखेंगे कि फ्रिक्शन को नेसेसरी इविल क्यों कहते हैं। तो नेसेसरी का मतलब हो गया एडवांटेज है फ्रिक्शन के, इविल का मतलब डिसएडवांटेज है। तो फ्रिक्शन के एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, दोनों हैं, इसीलिए हम फ्रिक्शन को नेसेसरी इविल कहते हैं। क्या कहते हैं? नेसेसरी इविल कहते हैं। तो फ्रिक्शन के दोनों चीज़ें हैं, एडवांटेज भी हैं डिसएडवांटेज हैं, इसीलिए हम फ्रिक्शन को नेसेसरी इविल कहते हैं। आइए देखें कि फ्रिक्शन के एडवांटेज क्यों क्या हैं जिसकी वजह से इसको हम नेसेसरी बोलते हैं, और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं जिसकी वजह से इसको हम इविल बोलते हैं। आइए देखें, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। आइए देखें, फ्रिक्शन इज नेसेसरी, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के क्या एडवांटेज है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये जितने भी व्हील ग्राउंड पर रोल करती हैं ये रोलिंग ना हो पाती, रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो ये जो व्हीकल्स रन करती हैं रोड पर ये रन ना करती। आइए देखें, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड फीट वी आर एबल टू वॉक, हम जमीन पर जो चलते हैं वॉकिंग करते हैं ये फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल है। हमारे फीट और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसी फ्रिक्शन के हेल्प से हम चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम स्लिप कर जाते, ये हम स्मूथ वॉकिंग ना कर पाते। ओके, आइए नेक्स्ट देखें, द ब्रेक्स ऑफ ए व्हीकल कैन नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन, जो व्हीकल्स हैं व्हीकल्स की ब्रेक जो है बिना फ्रिक्शन के वर्क ना करती प्रॉपरली। तो फ्रिक्शन की वजह से ही व्हीकल्स की जो ब्रेक्स हैं ये अप्लाई होती हैं। अगर ब्रेक फ्रिक्शन ना होता तो ब्रेक्स वर्क ना करती और हमारी व्हीकल स्टॉप ना हो पाती। ओके, वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन आर एबल टू रोटेट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली, एज फोर्स इज ट्रांसमिटेड ड्यू टू फ्रिक्शन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अनदर, किसी मशीनरी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जो फोर्स कम्युनिकेट होता है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। जैसे साइकिल में आप चेन यूज करते हैं तो उस चेन के चेन और पुली के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से फोर्स जो है वो आगे वाले से पीछे वाले व्हील को ट्रांसफर होता है। तो किसी मशीनरी के डिफरेंट रोटेटिंग पार्ट्स में जो फोर्स ट्रांसमिट होता है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो फोर्स कम्युनिकेट ना होता, तो मशीन के जो डिफरेंट पार्ट्स रोटेट करते हैं चेन और पुली की हेल्प से वो फ्रिक्शन की वजह से करते हैं। अगर फ्रिक्शन ना होता तो फिर वो डिफरेंट पार्ट्स साथ साथ रोटेट ना कर पाते। अगला है, द टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर मेड रफ टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, जो व्हीकल्स हैं उनके टायर को रफ बनाया जाता है। रीजन क्या है? जिससे फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए? फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए। नेल एंड स्क्रू ज्वाइन वेरियस वुडन पार्ट्स ड्यू टू फ्रिक्शन, हम नेल्स है और बोल्ट है ज्वाइंट्स है ये जब वुडन ब्लॉक में हम इनको कसते हैं टाइट करते हैं तो ये फ्रिक्शन की वजह से उसमें रुक पाते हैं, नहीं तो ये उसमें सपोर्ट ना करते। इन द अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट विद द पेंसिल ऑन पेपर, पेंसिल या पेन से हम पेपर पर राइट ना कर पाते, हम मार्कर से बोर्ड पर राइट ना कर पाते, ये फ्रिक्शन की वजह से ही इस पर रुकता है सपोर्ट पाता है। ओके, तो आपने देखा कि फ्रिक्शन के ये सारे एडवांटेज हैं, इसी की वजह से फ्रिक्शन को नेसेसरी कहा जाता है। क्या? नेसेसरी बोला जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज क्या है जिसकी वजह से इसको हम इविल बोलते हैं। आइए देखें, वियर एंड टीयर ऑफ मशीनरी
वियर एंड टियर ऑफ मशीनरी आर ड्यू टू फ्रिक्शन, जो मशीन के डिफरेंट पार्ट्स में वियरिंग एंड टियरिंग होती है वो फ्रिक्शन की वजह से होती है। ये टूट फूट जो होती है फ्रिक्शन की वजह से होती है, अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये फिर ये ऐसा ना होता। अ लार्ज पावर इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन एंड द इफिशियंसी ऑफ मशीन डिक्रीजेस कंसिडरेबली। डिफरेंट जो व्हीकल्स होते हैं उनका एक लार्ज पार्ट, उनके फ्यूल का एक लार्ज पार्ट फ्रिक्शन को ओवरकम करने में खर्च हो जाता है, जिससे उनकी इफिशियंसी कम हो जाती है और फ्यूल भी वेस्ट होता है। एक्सेसिव फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ मशीनरी प्रोड्यूसेज हीट एंड कॉजेज डैमेज टू द मशीनरी। अगर एक लिमिट से ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स के बीच में मशीनरी के, तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट प्रोड्यूस से हमारी मशीनरी डैमेज होती है, तो ये फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज है। एज फ्रिक्शन हैज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज सो इट इज कॉल्ड नेसेसरी इविल। तो आपने देखा कि फ्रिक्शन के एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेसेसरी इविल। क्या बोलते हैं, नेसेसरी इविल। अब बात ये आती है कि फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कैसे करें या फ्रिक्शन को हम चेंज कैसे करें, तो इसको हम पॉलिशिंग के द्वारा कर सकते हैं, लुब्रिकेशन के द्वारा कर सकते हैं, हम स्टीम लाइनिंग के द्वारा कर सकते हैं और बाल बियरिंग्स का यूज करके हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट मेथड्स क्या हैं फ्रिक्शन को चेंज करने का और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का। ओके,